जुड़ कहे ने सोनी ने। अमर सिंह चमकीला जो एक वक्त पंजाबी गायकी की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा था और जिसकी चमक ही शायद उसकी मौत का कारण बन गई, ये बात दुखद है लेकिन सच है। ये नाम इन दिनों फिर से सुर्खियों में है, वजह है इन पर बनी एक फिल्म। अमर सिंह चमकीला पंजाब के वो गायक हैं जिसने अपनी आवाज और लिरिक्स से लोगों के दिलों पर एक छत्र राज किया। अपने करियर के शिखर पर उनकी दीवानगी लोगों पर इस कदर थी कि साल के 365 दिनों में 366 शो कर डाले। उनके अधिकतर गाने गांव की जीवन शैली से प्रभावित या आधारित थे जहां उन्होंने अपना ज्यादातर समय गुजारा था। आवाज में बुलंदी इतनी कि उनके दौर में बाकी लोगों को काम मिलना बंद हो गया। जहां भी देखो बस चमकीला की चमक ही दिखाई देती थी। लेकिन अपने गानों की बनावट और लिखावट के लिए अमर सिंह चमकीला हमेशा विवादों में रहे। अपने गानों से धर्म पर टिप्पणी, औरतों, शराब, नशा, घरेलू हिंसा, उनकी कलम ने सब पर लिखा और उनके गले ने ये सब कुछ गाया। लेकिन विवादों के बीच भी उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग थी। पंजाब में 80 का दशक उनका दशक था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस दौर में छुप छुप कर उनके गाने सुना करते थे, फिर चाहे वो आदमी हो या औरत। धनी राम उर्फ चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से 109 किलोमीटर दूर लुधियाना के पास डुगरी गांव में दलित सिख परिवार में हुआ था। चमकीला शुरू से गायक नहीं बनना चाहते थे, उनको तो इलेक्ट्रीशियन बनना था, लेकिन ये सपना उनका पूरा ना हुआ और पैसे की तंगी के कारण चमकीला ने एक कपड़े की फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। गाने का पैदाइशी हुनर लेकर पैदा होने वाले धनी राम ने अपने आप ही हारमोनियम, ढोलक और तुंगी बजाना सीख लिया। 1978 की एक सुबह अपने दोस्त के साथ साइकिल पर चमकीला पंजाब के मशहूर सिंगर सुरेंद्र शिंदे के पास पहुंच गए, जहां चमकीला ने अपना गाना उन्हें सुनाया, जिससे खुश होकर उन्होंने चमकीला को अपने साथ रख लिया, जिसके बाद चमकीला ने उनके लिए बहुत से गाने लिखे। लेकिन समय के साथ चमकीला को लगने लगा कि उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं और उन्हें अकेले कुछ करना चाहिए। फिर क्या, शुरू हो गया अमर सिंह चमकीला का जादू। लेकिन इस दौरान उन्होंने कई लोगों के साथ गाया, फिर जाकर उन्हें मिला अपना परमानेंट स्टेज पार्टनर अमरजोत कौर, जो आगे चलकर उनकी पत्नी भी बनी। दोनों की जोड़ी ने खूब नाम कमाया और बहुत से लाइव शोज किए जिन्हें लोगों ने खूब प्यार दिया। अमर सिंह चमकीला की कामयाबी का एक कारण ये भी था कि उन्हें गाँव की महफिलों में जाना और वहाँ गाना बहुत पसंद था। गाँव में उनके लिए स्टेज तैयार किया जाता था, जिसे कुर्सी मिल गई वो बैठ गया और जिसे नहीं मिली वो ज़मीन पर बैठ गया, तो कोई घर की छतों पर बैठकर उनको सुनता था। चमकीला का समा बांधने का अंदाज भी सबसे निराला था। कभी स्टेज पर अपनी पत्नी से चुटकी लेते तो कभी बगल में बैठे किसी लड़के से मौज ले लेते। लोगों को भी उनका ये अंदाज बहुत पसंद आता था, तो कभी भीड़ में बैठा कोई शराबी मिल गया तो लड़ाई भी हो जाया करती थी। लेकिन 8 मार्च 1988 की दोपहर को चमकीला अपना शो नहीं कर पाए। पंजाब के जालंधर के गांव महसामपुर में जब स्टेज पर चमकीला पहुंचने ही वाले थे, तभी कुछ बाइक पर आए लोगों ने गोली मारकर उनकी और उनकी पत्नी अमरजोत कौर की हत्या कर दी। हत्या का कारण आज तक नहीं पता चल पाया है, जो है वो सिर्फ कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी हत्या का कारण उग्रवादियों की उनसे नाराजगी थी, क्योंकि चमकीला अपने गानों से धार्मिक टिप्पणियां करते थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि अमरजोत के परिवार ने उन्हें मरवा दिया, क्योंकि चमकीला दलित थे और उनकी पत्नी ऊंची जाति की थी। तो कुछ का मानना है कि उनके प्रतिद्वंदियों ने उन्हें मरवा दिया, क्योंकि वो उनकी कामयाबी से जलते थे और चमकीला की वजह से उनकी प्रसिद्धि कम होने लगी थी।